गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शारमिन साइंस चैनल। तो चलिए स्टार्ट किया जाए पढ़ाई। और आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, थाइमस और पीनियल, ये दोनों ग्लैंड इस तरह का है। ये दोनों ग्लैंड जनरली इफेक्ट करता है छोटे बच्चों को। छोटे बच्चों के अंदर ये जो दोनों ग्लैंड है, ये छोटे बच्चों तक ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। और जैसे जैसे एज आदमी का बड़ा होता जाएगा या बच्चे बढ़ते हो, ये सारे एग्जिस्ट हो गायब हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ये दोनों ग्लैंड। तो क्योंकि आप देखते होंगे कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो जहाँ तहाँ खेलते रहते हैं, उनको भूख भी नहीं लगती है, वो घूमते रहते हैं, ना उनको ब्रेकफास्ट का पता है, ना उनको लंच डिनर का। बाहर निकल रहे हैं तो माँ घर में आती है तो माँ पूछते हैं बेटा खाना खाया, हाँ खा लिया, भूख नहीं है। माँ बेचारी परेशान रहती है कि मेरा बच्चा आएगा तो उसको हम टाइमली खाना देंगे, ये देंगे। लेकिन वो बच्चे जो हैं उनको कुछ खाने पीने से मतलब नहीं, कहीं गिर गए, पड़ गए, उठ गए, चले, मतलब जिस तरह से वो अपना लाइफ गुजारते हैं जनरली बच्चों। और उनको फिर कुछ ऐसा होता भी नहीं है, अपना नहीं है भूखे प्यासे तो अपना ठीक है। और उसी जगह आप देख लीजिए बड़े लोगों को, वो आते थे पहले कहेंगे खाना दो, खाना चाहिए हमें, भूख लग रही है ना, उनका उनको ज़्यादा भूख लगती है ना। तो यही सब डिफरेंट। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, ये जनरली एज आने के बाद ये सारे ग्लैंड जो हैं वो एक्सटिंक्ट करते जाती हैं। जो आपका पीनियल ग्लैंड है वो आपका जनरली कहाँ पर पाया जाता है, वो हम उसको हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं। वो आपको ब्रेन में पाया जाता है, यानी इस साइड अगर आप छेद कीजिएगा, मतलब आप देखिएगा तो ठीक यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होगा। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है ये छोटा सा होता है और यहाँ पर ही ब्रेन में ही रहता है। तो ब्रेन में आपको तीन तरह के ग्लैंड रहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड और एक हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस पढ़ लियो तुम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ लिया और पीनियल ग्लैंड। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है इसे हम लोग थर्ड आई भी कहते हैं और ये जो है ब्रेन में ही पाया जाता है। और इसका जो काम होता है पीनियल ग्लैंड का, ये पीनियल ग्लैंड क्या करता है, ये आदमी के को, इसको हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड। ये ग्लैंड, ये इसका वर्क क्या होता है, ये आप एक तरह से आपके सोने उठने के टाइम को रेगुलेट करता है। इसमें जो हार्मोन निकलता है वो मेलाटोनिन, एक होता है मेलानिन, जो कि आपके कलरेशन पिगमेंटेशन का काम करता है। वो आपके स्किन डार्क है, वाइट है, ब्लू है, जितना ज़्यादा काला होगा उसमें मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वाइट होगा वो कम्प्लेक्शन तो उसमें मेलानिन कम होगा। तो जो हमारे बॉडी का कलरेशन है, ये जो पिगमेंटेशन है, वो ड्यू टू मेलानिन होता है। और ये है मेलाटोनिन, यानी पीनियल ग्लैंड जो है जो सिक्रेशन करता है हार्मोन, उसको बोलते हैं मेलाटोनिन और सेरोटोनिन। ये आपका क्या करता है कि आपको ठीक टाइम पर सोने के लिए, जैसे रात होने लगेगा तो इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मेलाटोनिन का और आपको नींद आने लगेगी। एक टाइम आएगा कि अपने आप आपको औंघनी आने लगेगी, नींद आने लगेगी और आप सो जाएंगे। तो ये आपको ये ड्यूटी करता है। अब जैसे जैसे सुबह होने लगेगा ये मेलाटोनिन डिक्रीज करने लगेगा, आपको पता चल जाएगा आप सुबह होने वाला है। तो ये ऑटोमेटिकली जो आप लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, ये आपको कौन डिसाइड करता है, मेलाटोनिन। और ये मेलाटोनिन कहाँ कौन सिक्रेट करता है, ये आपको पीनियल ग्लैंड से सिक्रेशन होता है। और भी बहुत छोटा छोटा सारे का फंक्शन, जो हमारी बॉडी में और भी जो फंक्शंस हैं, जैसे इम्यूनिटी है, फिर आपको सेक्स रेगुलेट करता है हार्मोन उसका है, फिर आपको स्किन पिगमेंटेशन है, बॉडी का पूरा जो ग्रोथ का, ये सारा पीनियल बॉडी जो है वो बोलता है। हम तो भाई ब्रेन में ही रहते हैं, हम भी ये सारा काम कर लेते हैं। जो हार्मोन जो दूसरा और वर्क करता है ना, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, एड्रिनल ग्लैंड आप करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट, आपका लिम्फोसाइट थायरॉइड करता है, वो आपका थायरॉइड से निकलता है आयोडीन रेस्पिरेटरी। तो ये पीनियल ग्लैंड जो है वो अपने आप को 30 मार खां समझता है। वो बोलता है जो काम पिट्यूटरी ग्लैंड करता है वो हम सब भी काम कर लेते हैं, यानी ये सारे काम में हाथ अपना थोड़ा 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 मेन काम सारा कर देता है। ये नहीं अपना चाहे इसके उसको मिले नहीं, इसको कोई आदमी वैल्यू नहीं दे, कुछ नहीं दे, ये कोई बात नहीं, लेकिन ये एक तरह का सारे काम को, मतलब हरफन मौला, हम वो भी काम कर लेंगे, हम वो भी उस ग्लैंड का भी काम कर लेंगे, हम रिप्रोडक्टिव का भी काम कर लेंगे, हम वो हार्मोन भी निकाल देंगे, पिट्यूटरी का भी निकाल देंगे, एड्रिनल का भी निकाल देंगे, हम थाइमस का भी निकाल देंगे। तो ये सारा काम भी ये
सबसे चुरा चुरा करके ये फंक्शन थोड़ा बहुत कर लेता है। लेकिन मेन फंक्शन ये इसका क्या है, स्लीप अवेक, यानी कि टाइम पर उठा देता है पीपल्स को और फिर टाइम पर आके जैसे रात होने लगती है इसका सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। कौन सा हार्मोन, मेलाटोनिन और सीरोटोनिन। तो ये मेलाटोनिन और सीरोटोनिन जो है ये आपका कौन सा ग्लैंड निकालता है, पीनियल ग्लैंड, जिसे कि हम लोग थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं, थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं। और ये हरफन मौला की तरह सब काम में बोलता है हम कर देंगे, चाहे करे नहीं करे, लेकिन ये सब में हाथ अड़ा देता है, अपना टांग अड़ाता है और सब काम थोड़ा थोड़ा मेन फंक्शन करता है। इसे हम लोग बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका यही है जो कि आपका ब्रेन, ये फोर ब्रेन में नहीं कि फोर ब्रेन जो डायनोसोफलन हम लोग पढ़ाए थे, ब्रेन में आपको तीन तरह का हुआ, पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस। तो आपका तीनों समझ गए। अब इसको पोजीशन मिला हुआ है ब्रेन में, तो ये सोचता है जैसे हाइपोथैलेमस काम करता है, जैसे पिट्यूटरी काम करता है, हम भी सारा काम कर ले सकते हैं। तो ये हर फंक्शन में थोड़ा थोड़ा अपना टांग अड़ा देता है। ऐसे मेन फंक्शन इसका है बायोलॉजिकल, ये स्लीप, यानी कि स्लीप और अवेक। टाइम पर इसको मेलाटोनिन, जब रात होने लगती है देखोगे 2-3 बजे तो अपने आप लोग आँखने लगता है, और ये मेलाटोनिन लाइट भी नहीं, अंधेरा हो रहता है तो ये अपने आप नींद में चला जाता है। और आप एक बात देख लीजिए, मैंने बोला था ये बच्चों में, छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जनरली सोलाना रहता है, उनको ज़रा सा भी माँ सोलाती है तो सर पर करती है ना, ऐसे सो जा सर पे, तो सर पे वो पीनियल ग्लैंड ही बहुत, पीनियल ग्लैंड जो होता है वो बहुत एक्टिव होता है और वो छोटे बच्चे को तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि वो ऐसा हार्मोन सिक्रेशन करता है मेलाटोनिन कि वो छोटा बच्चा को ज़रा सा आप सर थपकाओ ऐसे से करके बच्चा सो जाता है। तो समझ गए। तो ये, लेकिन यही बात है कि जब आप बड़ा कोई है, मतलब टीनेजर है, उसको अगर आप कहोगे कि सर पे ऐसे तो वो तो नाराज़ हो जाएगा, तो उठा कर तुमको ही दो हाथ दे देगा, कह रहे भाई हम सोने जा रहे हैं तुम क्यों हमको ही, क्योंकि उसका पीनियल बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं है, वो धीरे धीरे एक्सटीम कर जाता है, उतना काम उससे नहीं होता है, थोड़ा बहुत होता है। क्योंकि आप देखते हो ज़्यादा एजेड लोग जो होते हैं वो रात में देर तक जागते भी हैं, और 15-20 साल के बाद से तक बहुत ज़्यादा नींद आती है लोगों को, उसके बाद रात रात भर लोग जाग जाता है। तो धीरे धीरे ये इसके, ये ज़्यादा एक्टिव रहता है बच्चों में। तो ये समझ गए आपको पीनियल ग्लैंड के बारे में, और ज़्यादा कोई ज़्यादा बात नहीं है, बस इतना ही सब बात है कि ये बायोलॉजिकल ग्लैंड है, ये तीसरी आँख कहते हैं, ये फॉरब्रेन के पास रहता है, और ये सारी सारी एक्टिविटीज़ में सारे हार्मोन थोड़ा थोड़ा उसमें टांग अड़ा करके ये थोड़ा थोड़ा सब काम कर लेता है। जैसे कि ये बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर देता है, ये मेंसुरेशन साइकिल जो होता है लेडीज़ में या जो भी प्यूबर्टी आने पर होता है वो उसको कंट्रोल करता है, जबकि उसका काम दूसरे का है, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का हार्मोन का है, लेकिन ये कर देता है। फिर है ये इम्यूनिटी बॉडी में ला देता है, इम्यूनिटी आपका थाइमस का है, वो मेन इम्यूनिटी का कहता है हम भी कर लेंगे भाई, उसको चाहे पोजीशन मिले नहीं मिले, लेकिन चूंकि ब्रेन के पास है तो ये कहता है भाई मैं सब काम कर लूँगा ना। ये आपको मेटाबॉलिज्म का काम भी ये कहता है, जो कि मेटाबॉलिज्म आपका थायराइड का काम है, उसके ऊपर ड्यूटी दिया गया है। किसी किसी आदमी की आदत हुई ना कि अपने को सारा काम हम कर लेंगे जी, मेरे अंदर इतनी है, चाहे वो थोड़ा ही सा करे, है ना। तो वही बात है, वही बात ये पीनियल ग्लैंड के साथ होता है। स्किन पिगमेंटेशन, जैसे कि आप मेलानिन है ज़्यादा काले हो गए, तो भाई काला गोरा आप कितना, मेलानिन अगर आपके बॉडी में ज़्यादा है तो आप डार्क कलर के हो जाओगे, वो एक तरह का पिगमेंट है जो कि सनलाइट रेज में वो काफ़ी डिवाइड हो जाता है और काफ़ी ग्रोथ उसका हो जाता है, इसलिए धूप में आने के बाद देखते हो लोगों का रंग थोड़ा कम रहता है, और गोरा होना मेलानिन का पिगमेंट यानी कम है। तो अब पीनियल बॉडी के बारे में कोई आपको सब समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं थाइमस ग्लैंड जो है ये भी आपको, ये आपको कहाँ पर पाया जाता है, ये थाइमस ग्लैंड जो है ये आपको जो चेस्ट कैविटी होती है, जैसे कि कोई एक आदमी है, ये लंग्स है, है ना, ये लंग्स हमने बनाया है ना, ये लंग्स है, तो लंग्स के बीच में जो ये कैविटी होती है इसको हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और यहीं पर आपको पता है ये पिंजरा की तरह होता है, रिब केज होता है, जिसके अंदर सारे डेलिकेट ऑर्गन्स रहते हैं ताकि प्रोटेक्ट कर सके, कोई भी उसको हार्म नहीं हो। जितने भी डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि आपका लीवर है, लंग्स है, हार्ट है ना, सब रहता है। तो यहीं पर ये आपका ट्रैकिया है आ रहा है, यानी कि आपका ट्रैकिया वगैरह आ रहा है इसका ना, तो यहीं पर आपका, यहाँ पर हार्ट हो गया,
यहाँ पर हर्ट हो गया, तो ठीक यही पर आपको जो है ये इस तरह का थाइमस ग्लैंड मिलता है। यानी ये हम लोग कैसे याद रखेंगे, ये स्टर्नम होता है पीछे, यानी स्टर्नम जो आप बोलते हैं रिबकेज का, स्टर्नम के आगे और हर्ट के सामने है ना, यानी क्या बोलेंगे इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, ये हर्ट के इन फ्रंट और पीछे क्या है स्टर्नम और हर्ट के बीच में, दोनों के बीच में, और हर्ट में क्या है यहाँ पर एरोटा निकलता है ना, तो ये दोनों के बीच में ये छोटा सा पिंक कलर का या येलो कलर का ये थाइमस ग्लैंड होता है। कौन सा ग्लैंड होता है, ये थाइमस ग्लैंड होता है, समझ गए। कहाँ पर होता है, ये चेस्ट कैविटी में, हार्ट के ऊपर, हार्ट के ऊपर और स्टर्नम के पीछे स्टर्नम हुआ और ये हार्ट हुआ और ये दोनों के बीच में है ना, ये स्टर्नम हुआ और ये हार्ट हुआ और ये दोनों के बीच में छोटा सा कम से कम 10 से 15 ग्राम का, 10 ग्राम से 15 ग्राम के बीच का येलो कलर का एक छोटा सा ग्लैंड होता है जिसे कि हम लोग थाइमस ग्लैंड कहते हैं। समझ में आ गया, ये बहुत, इसका तो बहुत बड़ा काम है, इम्यूनिटी, आपको पता है ना इम्यूनिटी, माने ये तो इस तरह का सेल्स डेवलप करता है, टी सेल डेवलप करता है, है ना, ये आपको टी सेल डेवलप करता है, आरबीसी, आरबीसी में बोन मैरो में ये बनाता है, लिम्फोसाइट जो है वो बोन मैरो में के अंदर जो वाइट कलर को आप देखते हो लिम्फोसाइट्स वो बनाता है, तो बीटा सेल बनाता है ना, इसमें बीटा सेल होता है, टी सेल होता है, तो टी सेल जो है वो पूरा आपको क्या करता है, इम्यूनिटी करता है। इम्यूनिटी मतलब कोई भी डिजीज, बैक्टीरियल या बाहर का कोई भी वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज जैसे बॉडी में एंटर करेगा ये लोग एकदम खड़ा हो जाएगा और ये टी सेल जो है उसको मार के फॉरेन बॉडीज को इनगल्फ कर लेता है या उसको बीमारी से बाहर फेंक देता है, किल कर देता है, जिससे कि आदमी के अंदर इम्यूनिटी रहता है और वो उससे लड़ने की मतलब उस सारे भी जो बैक्टीरियल वायरस डिजीज जो आपको अटैक करने के लिए आ रहे हैं आपके बॉडी को, उनको यही लोग रोकता है। कौन रोकता है, ये टी सेल। तो टी सेल का निर्माण आपका कौन करता है, ये आपका थाइमस ग्लैंड करता है। इसे हम लोग बोलते हैं थ्रोन ऑफ, गद्दी है ये, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी माने ये पूरा जो इम्यूनिटी बॉडी को कंट्रोल करता है ये आपका थाइमस ग्लैंड। और ये जैसे छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा होता है, ये भी छोटे बच्चों में बहुत एक्टिव रहता है, जैसे अब छोटा बच्चा है, काफ़ी छोटा बच्चा है, इन्फेंट है, तो उनको उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा डेवलप रहेगा ये इम्यूनिटी। वो कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ कुछ भी ज़मीन पे है, रेंग रहा है, मिट्टी खा रहा है, कुछ खा रहा है, लेकिन वो इतना बीमार नहीं पड़ता है, इसलिए कि उसके अंदर जो ये लिम्फोसाइट है और ये सब जो बन रहा है टी सेल, ये सारा तो उसको पहले ही कंट्रोल कर देता है, इसलिए छोटे बच्चे के अंदर इम्यूनिटी बहुत मजबूत रहती है। ये 15-20 साल तक ये एक्टिव रहता है, ये थाइमस सेल जो है 15-20 साल तक खूब एक्टिव रहेगा, खूब एक्टिव रहेगा, और आदमी भी बहुत ज़्यादा, उसको भी इतना बाहर से कोई भी ये गिर, देखते हो छोटे बच्चे गिर जाता है, छिला गया, पैर हो गया, वो अपने आप ठीक हो जाता है, बहुत इम्यूनिटी है, कोई भी फॉरेन डिजीज़ को इनगल्फ करके उसको किल कर देता है। लेकिन जैसे जैसे आदमी एजेड होता है, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ रही है, ये थाइमस ग्लैंड लुप्त होता रहता है, बिल्कुल एक धागे के लास्ट में एक पतला सा हेयर टाइप का वो वहाँ पर पड़ा रहता है, और कभी कभी वो भी चला जाता है, गायब हो जाता है, मतलब कि प्यूबर्टी तक ये बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जैसे मेनोपॉज हुआ या आदमी का एज 50-60 हुआ, वो थाइमस ख़त्म हो गया, इसलिए उसको इम्यूनिटी उसके बॉडी में कम हो जाती है, जिससे क्या होता है कोई भी उसको डिजीज़ तुरंत अटैक कर देगा आसानी से, जितना कि बच्चा में अटैक नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे में तो इम्यूनिटी पावर है भी, वो लोग 15-20 साल तक तो उनके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी है, लेकिन एज आने पर इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है, तो कोई भी डिजीज़ जो है, फॉरन डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ जो भी है, वो उसको आसानी से अटैक कर देगा, इसलिए बोला जाता है। जैसे आपको कोरोना ही हो रहा है, बोलता है एज वाले आदमी को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ज़्यादा, उनको ज़्यादा बाहर नहीं निकलना है, भीड़ भाड़ में जाना है, क्योंकि उनके अंदर जो ये इम्यूनिटी जो निकालने वाला जो हार्मोन होता है थाइमस ग्लैंड, जो कि आपको टी सेल फॉर्म करता है, वो तो अब होना बंद हो गया है, है ना, और उनका उनको नींद भी नहीं आएगी, वो मतलब वो अपने को सरवाइव नहीं कर सकते हैं, अगर कोई भी
डिजीज अटैक कर रहे तो वो अपने को नहीं बच सकते क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। तो ये भी आपको प्यूबर्टी से शुरू होती है और 50 साल धीरे 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 ये ख़त्म हो जाती है और यंग जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा रहता है, समझ में है ना। तो बस यही दोनों चीज़ है जो कि जनरली बच्चों में ज़्यादा इजीली ये एक्टिव रहते हैं और एज आने पर ये थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड जो है ये दोनों धीरे धीरे एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, ये उतना पावरफुल नहीं रहते हैं, है ना। तो ये जो थाइमस जो हार्मोन निकालता है ये निकालता है थायरोक्सिन, है ना। कौन सा निकालता है? थाइमस निकालता है थाइमोक्सिन, थाइमोक्सिन। कौन सा हार्मोन निकालता है ये? ये थाइमस जो निकालता है ये हार्मोन जो सिक्रेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं थाइमोक्सिन। थाइमस जो हार्मोन निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं थाइमोक्सिन, है ना, थाइमोक्सिन। तो यही हार्मोन जो है वो आपको क्या करता है, ये हार्मोन आपका टी सेल निकालेगा जो कि आपको इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सब भी आप लोग पढ़ लीजिए। और इसमें जो दो सेल रहता है अल्फा सेल और बीटा सेल, तो ये अल्फा सेल जो होता है वो आपको, जो अल्फा सेल जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? अल्फा सेल जो होगा वो प्रोटीन बनाएगा। तो छोटे बच्चे को आप यही भी देख लेते हैं कि वो कुछ भी खा लेंगे, उनको भूख भी नहीं लग रही है, तो ऑलरेडी उनके बॉडी में जो थाइमस सेल है वो प्रोटीन तो बना रहा है, तो बच्चे का पेट ऑलरेडी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जाता है तो भूख भी ज़्यादा लगती है और प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। और बीटा सेल जो होता है वो आपका, ये आपका सारा लिम्फोसाइट्स बनाता है, लिम्फोसाइट्स बनाता है, और ये लिम्फोसाइट जो है वो आपका टी सेल बनाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है टी सेल्स इम्यूनिटी के लिए। तो मेनली आपने देख लिया कि थाइमस ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड दोनों जो है ज़्यादा एज आने पर ये इनका वर्क नहीं उतना करते हैं, और ये जो है थाइमोक्सिन हार्मोन निकालता है, ये चेस्ट के पास हार्ट के और स्टर्नम के बीच में रहते हैं, ये पिंक कलर के होते हैं, इनका वेट होता है 10 ग्राम से 15 ग्राम सब होता है। जैसे जैसे एज होता जाता है, मेनोपॉज एज आते आते 50 और 60 के बीच में ये गायब हो जाएगा थाइमस ग्लैंड, ये नहीं रहेगा, एक हेयर के रूप में रहेगा, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा। और छोटे बच्चे में बहुत एक्टिव रहता है, इसलिए छोटे बच्चे जहाँ घूम रहे हैं ना उनको खाने का ये, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रोटीन डेवलप कर रहा है उनके बॉडी में, ऑटोमेटिकली फूड प्रोटीन उनके सेल को पूरा मिल रहा है। और वो बीटा सेल जो है वो उनका टी सेल यानी कि जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है बॉडी में, कोई भी फॉरन पार्टिकल्स या फॉरन डिजीज अटैक करना चाहे तो लोग पहले ही सिपाही की तरह उसको भगा देते हैं, ए हमारे हम अभी बहुत तेज हैं, तुम लोग आओ देखो कैसे तुम लोग हमको इफेक्ट करते हो, ये उसको किल करके खा करके या इनगल्फ करके वो डिजीज को ख़त्म कर जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी डिजीज़ नहीं लगता है क्योंकि ये उसको इसको अपने उस अटैक से बच जाते हैं, ठीक है ना। तो मेन आज आपका यही था। और ये जो पीनियल बताए थे वो जो है आपका सोने के टाइम को निर्धारित करता है, जैसे ही रात आ रही है इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। किसका प्रोडक्शन? मेलाटोनिन का। आपको नींद आने लगेगी सुबह जैसे होने लगेगा, मेलाटोनिन जो सिक्रेशन करता है आपका पीनियल बॉडी उसका सिक्रेशन कम हो जाएगा और आप जाग जाओगे। तो ये एक तरह का बायोलॉजिकल ग्लैंड है, और उसके अलावा भी ये सारे सिक्रेशन हार्मोन्स का जो काम है उसको चुरा चुरा करके थोड़ा मोड़ा ये भी कर लेता है, क्योंकि इसको ये भी तो ब्रेन ही में रहता है, तो क्यों ना भी हम भी ब्रेन वाले हार्मोन के जैसे अपना कुछ कुछ काम करें। हालांकि होता बहुत छोटा सा है, इसको थर्ड आई भी कहा जाता है, कभी कभी ये इतना एक्टिव हो जाता है ना। तो आज का ये आपको क्लास कैसा लगा? पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड, मेन ग्लैंड हम लोगों ने आपको पढ़ा दिया था, जैसे कि आपका मेन ग्लैंड आपको कौन कौन सा, पिट्यूटरी हुआ, एड्रीनल हुआ, पैंक्रियास, तो दोनों में है, मिक्स्ड ग्लैंड है, है ना, थायराइड हुआ, फिर आपका पीनियल ग्लैंड हुआ और आपका थाइमस ग्लैंड हुआ, और आपका इसके अलावा गोनाइड्स होते हैं जो कि मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टिस में वो आपको स्पर्म निकालते हैं, वो हार्मोन निकालते हैं टेस्टोस्टेरोन जो कि टेस्टिस से निकलता है, फिर आपको ओवरी से आपको निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, ये भी एक तरह का हार्मोन है जो कि हम रिप्रोडक्टिव साइकिल जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें इन लोगों का मेन काम होता है कि कैसे रिप्रोडक्शन होना है और कैसे एक बर्थ चाइल्ड और कैसे वो प्रोटेक्ट करता है यूट्रस को प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, ये उन लोगों का काम है जो कि आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ाने में ये मतलब डिटेल में पढ़ा जाएगा। मतलब ये इतना याद रखिए कि टेस्टोस्टेरोन टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है और ओवरी से वो जिस ओवरी से निकलता है एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन जो है वो यूट्रस को
पकड़ के रखता है, जकड़ के रखता है ताकि बच्चा उसके अंदर होल्ड रहे, और अगर वो नहीं उतना हार्मोन सिक्रेशन करेगा तो यूट्रस ढीला हो जाएगा और अबॉर्शन हो जाएगा बच्चे का, यानी वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश हो जाती है, बच्चे का जन्म हो जाता है, चाइल्ड बर्थ हो जाता है, अबॉर्शन वो ख़राब हो जाता है ना बॉडी में बच्चा जो है। तो इसलिए इसको हम लोग जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग वो क्या हार्मोन भी उसको भी हम लोग बोलते हैं ना। तो इसी तरह से वो हम लोग रिप्रोडक्टिव साइकिल में ही डिटेल में बताएंगे। अभी इस चैप्टर में मेन जो है आपका पिट्यूटरी, पैराथार्मोन, थायराइड, एड्रिनल, मेन यही है। और ये दोनों तो आपका जनरली बड़े आदमी में नहीं पाया जाता है, ये आपको प्यूबर्टी तक ही एक्टिव रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ये गायब हो जाता है थाइमस। और पीनियल बॉडी तो पता ही है, उसको हम लोग थर्ड आई कहते हैं। मेन इनका आपको यही फंक्शन याद करना है। और इम्यूनिटी जो अब कोई पूछता है कौन सा भाई ऐसा हार्मोन है जो आपके बॉडी में इम्यूनिटी सीक्रेट करता है, तो आप लोग फौरन बोल दोगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी। वो जितने तरह के बॉडी में इम्यूनिटी हमको इतनी ताकत ले देता है, आपको डब्ल्यू बी सी बोन बैरो ये सब RBC, तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आपका WBC बनाता है, वाइट ब्लड सेल, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वही RBC जो है, WBC जो है, वो आपका टी सेल बनाता है। टी सेल हमको इम्यूनिटी को बूस्ट करता रहता है, जिससे कि कोई भी बाहर हम आए, कोई भी डिजीज़ हमको इफेक्ट नहीं करे। तो बस आपका इतना ही रह गया। हाँ, जो मैं बोल रही थी प्रोग्रेस्टेरोन जो होता है, जो कि हार्मोन निकालता है, उसको हम लोग जो बोलते हैं गोनाड्स वाले जो हार्मोन है, उसको हम लोग ये हार्मोन भी बोलते हैं प्रोग्रेस्टेरोन को, अबॉर्शन हार्मोन, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो अबॉर्शन हो जाएगा, इसलिए उसे हम लोग अबॉर्शन हार्मोन भी कहते हैं। तो चलिए, आपका ये कंप्लीट हो गया। अब मैं एक क्लास ऐसा लूँगी कि जो मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ाया, इसका क्विज टाइप का एक क्वेश्चन, वो मैं क्विज लूँगी, उसमें से आंसर वगैरह एक्सप्लेन करूँगी। तो आपको ठीक लगा ये क्लास, कैसा लगा आप लोग लिखिए और ठीक से पढ़ाई कीजिए। ओके, ठीक है।